बाकी सारे साजां दी बजाय इस सितार नूं क्यों पसंद कीता? जो सितार बजाने का अंदाज था और जो जिस तरह सितार बोलती है उनकी बस उंगलियों को टच करने से, उसने बिल्कुल रूह को बहुत आप कह दें कि तस्कीन बख्शी। तबीयत में ऐसा सुरूर आता है कि क्या बात है, और सर जब बजाते हैं तो ऐसे लगता है कि सितार बोल रही है। अगर आप मौसीकी को समझना चाहते हैं तो उसके लिए सितार जो है वो लाजमी है, इसके बगैर आपको मौसीकी की उस तरह समझ नहीं आ सकती। सुर की समझ जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट में अल्लाह ताला ने ऐसी रख दी है। ये एक साज़ जो सितार है, मेरा इसको चुनने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा साज़ है जो अब ख़त्म होता जा रहा है। बहुत कम लोग इसको सुनने वाले भी और बजाने वाले भी। मेरी तवज्जो इसकी तरफ इसी वजह से हुई कि ऐसी खूबसूरत चीज़ को ख़त्म नहीं होना चाहिए। उज़ैमा बुखारी जो है वो हमारे साथ स्टेज पे तशरीफ़ ला चुकी हैं, राग झंझोटी आपके सामने पेश करेंगी, खूबसूरत सी क्लैप कीजिए इनके लिए। शुक्र है अल्लाह का, सुनने वाले लोग पाकिस्तान में हैं। मैंने भारत में भी यही कहा था, पहला पाकिस्तानी जिसका लाइव शो में इंटरव्यू हुआ दिल्ली में और दूरदर्शन पे, उन्होंने कहा था उस्ताद साहब आपके यहाँ सुनने वाले बहुत कम हैं। मैं कहा बहुत ज़्यादा है, मैं कहा बनिस्बत आपके, मैं कहा पाकिस्तान में सुनने वाले बहुत हैं। समझाए ना, तो बड़े बड़े अब हम भी कोशिश कर रहे हैं। क्षमता है उंगलियों की जो पोरों से सुबह शाम, जादू ये लम्से जाँ का है नगमा सितार का, और वो जिनकी उंगलियों की पोरों में जादू है, वो जिनके जहनो दिल में एक ऐसा सहर है जो रंगों को उतार देते हैं अपनी उंगलियों की पोरों में, और सितार के तारों पर ऐसे सुर बिखरते हैं कि लोग सुनते हैं सर धुनते हैं। तमगा इम्तियाज़ हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र है, हम सब के लिए बहुत ही खुशी का मुकाम है कि वो जिनके शागिर्दाने अजीज़ इतना खूबसूरत, उज़ैमा ने, ज़ारा ने और छोटे छोटे बच्चों ने इतना खूबसूरत सितार बजाया, और वो उस्ताद उंगलियां क्या होंगी, वो क्या अंदाज़े सुखन होगा, वो क्या मैं समझती हूँ सितारों को छेड़ने का अंदाज़ होगा जिसने एक दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है। बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत एहतराम के साथ मैं दावत दूंगी जनाब उस्ताद लतीफ़ ख़ान को।